संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म SCO होता है, इसे संघाई पैक्ट भी कहते हैं। हम लोग SCO के बारे में डिटेल्स में जानेंगे इस वीडियो में। यह एक यूरेशियन ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि इसमें रशिया भी पार्टिसिपेट करता है। तो रशिया जो है वो यूरोप का कंट्री है और जो अदर बाकी कंट्री हैं वो एशिया के कंट्री हैं, इसलिए हम लोग यूरेशियन इसे ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जैसे सार्क, सार्क जो है साउथ एशिया की ऑर्गेनाइजेशन है, एसियान जो है साउथ ईस्ट एशिया की ऑर्गेनाइजेशन है, उसी तरह से SCO जो है वो एक यूरेशियन ऑर्गेनाइजेशन है। यह पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी पर काम करती है, इवन कल्चरल कोऑपरेशन पर भी ये काम करती है। एक्चुअली SCO का जो फाउंडेशन है वो 15 जून 2001 माना जाता है, लेकिन इससे पहले हम लोग इसका बैकग्राउंड भी जानेंगे। लेकिन यदि पूछा जाए कि SCO का फाउंडेशन कब हुआ था, तो 15 जून 2001 को हुआ था और ये 6 कंट्री मिलकर किए थे, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान मिलकर। लेकिन इससे पहले संघाई 5 करके एक ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसको कि 26 अप्रैल 1996 को 5 कंट्री चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजिकिस्तान मिलकर किए थे। इसमें उज्बेकिस्तान नहीं था, लेकिन जब 2001 में उज्बेकिस्तान आ जाता है तो ये लोग एक पैक्ट साइन करते हैं जिसको संघाई पैक्ट कहते हैं। ये संघाई पैक्ट, और संघाई पैक्ट के ही अकॉर्डिंग SCO का फॉर्मेशन होता है। तो यदि पूछा जाए कि SCO का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 15 जून 2001 को हुआ था और इसको 6 कंट्री ने किया था, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। और संघाई 5 का कॉन्सेप्ट है, यह फाउंड हुआ था 26 अप्रैल 1996 को, इसमें 5 कंट्री थे, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान नहीं था। SCO का जो हेड क्वार्टर है वो च्योंगयांग डिस्ट्रिक्ट बीजिंग चाइना में है, अर्थात कि हेड क्वार्टर जो SCO का बीजिंग चाइना में है। इसके अभी जो मेंबर हैं वो टोटल 9 हो गए हैं। हम लोग देखते हैं कि कैसे ये 9 मेंबर्स हैं। 26 अप्रैल 1996 को एक्चुअली संघाई 5 आया था, वो SCO नहीं था, तो 5 मेंबर वहां थे, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजाकिस्तान। 15 जून 2001 में उज्बेकिस्तान जुड़ता है और उसका नाम SCO हो जाता है। अब जो संघाई 5 थे वो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। तो एकदम क्लियर हो जाना है, क्लियरली ये अब समझ लेना है कि SCO का जो निर्माण है यानी कि फाउंडेशन है वो 15 जून 2001 को हुआ था और 6 कंट्री ने मिलकर किए थे, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। और 9 जून 2017 को इंडिया और पाकिस्तान इसमें मेंबर बनते हैं, और रिसेंटली 17 सितंबर 2021 को ईरान इसका मेंबर बनता है। और फाइनली हम लोग इसके कुछ सबमिट देख लेते हैं कि कौन कौन से इसके सबमिट हुए हैं। पहला सबमिट इसका 2001 में होगा, संघाई चाइना में ही हुआ था। 2021 में इसका दुशानबे में हुआ है, तजिकिस्तान। और 2022 का जो सबमिट होने वाला है वो समरकंद उज्बेकिस्तान में होने वाला है। तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं फास्टली विद इन मिनट में। संघाई कोऑपरेशन को संघाई पैक्ट भी कहते हैं। इसकी फाउंडेशन 15 जून 2001 को 6 कंट्री के द्वारा होती है, जिसमें कि चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान थे। संघाई 5 क्या है ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया। हेड क्वार्टर जो है SCO का वो बीजिंग चाइना में है। अभी इसके 9 मेंबर हैं और 9 मेंबर ये हैं, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान एंड फाइनली ईरान।